क्या आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट को 2.5 लाख तक की फीस नहीं पे करना चाहते? अगर हाँ तो 22,500 रुपए में घर बैठ के StudyIQ के पेनड्राइव कोर्स के साथ आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। आज ही विजिट करें studyiq.com। नमस्कार एंड वेलकम टू StudyIQ। मैं हूँ प्रशांत पावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 22 जुलाई है, आज संडे है। देखते हैं आज के द हिंदू एनालिसिस में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। आज आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक भी लेकर आया हूं, लेकिन सबसे पहले एक पॉजिटिव शुरुआत। द माइंड इज लाइक एन आइसबर्ग, इट फ्लोट्स विथ 1/7 ऑफ इट्स बल्क अबव वाटर। आपने देखा होगा कि अगर आप एक बर्फ के टुकड़े को पानी के ग्लास के अंदर डालें तो आप पाएंगे कि जो उसका एक छोटा सा पार्ट है वो आपको ऊपर दिखेगा, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो पानी में सबमर्ज्ड होगा। हमारे दिमाग की भी कुछ ना कुछ यही सेम सिचुएशन है। ये एक बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि हमारे दिमाग की जब हम बात करें तो एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, चेतन दिमाग और अचेतन दिमाग। ये जो अचेतन वाला पार्ट है, सब कॉन्शियस माइंड है, वही सारी चीज़ें हमसे करवाता रहता है। इसमें पूरी जो हमारी कायनात है उसके सीक्रेट्स छुपे हैं, ये भी कहा जाता है। और आजकल तो इनके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है, ये भी पता चला है कि जो हम चीज़ें करते हैं वो कुछ 40-50 सेकंड्स पहले ही हमारा जो अचेतन दिमाग है वो डिसाइड कर लेता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानिए। ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत काम आ सकते हैं, आपकी पढ़ाई या फिर दूसरी जो जीवन के साथ जुड़ी हुई अलग अलग बातें हैं उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें बहुत काम आ सकती हैं। इसके साथ अगर आज के इस लेक्चर की पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, यू विल फाइंड इट ऑन माय फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आज के लेक्चर से कुछ फ़ायदा होता है देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही नॉर्मल टॉपिक के बारे में, राइट? बहुत 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 नॉर्मल टॉपिक है ये। इसको एक बहुत बड़ा टैबू टॉपिक पता नहीं क्यों बनाया गया है। आज हमारे देश की अगर सिचुएशन के बारे में बात करें और आज का ये जो टॉपिक है वो आप समझ सकते हैं स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए हैं, और क्या ये सिर्फ महिलाओं के लिए है? नॉट एट ऑल। ये हमारी सोसाइटी और ये ह्यूमैनिटी के को भी टच करने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखेंगे कि मेन्स एग्जामिनेशन में आपको हर साल एक प्रश्न महिलाओं के साथ जुड़ी हुई जो समस्या हैं उसके ऊपर पूछा जा सकता है, या फिर उनको कैसे एम्पावर किया जाए। और ये सिर्फ हमारे देश की ही बात नहीं है, पूरी दुनिया में ये हो रहा है। आप देखेंगे कि कई बार इंटरनेशनल खबरें आती हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में जो एक पावरफुल पोजीशन के ऊपर महिलाएं होती हैं तो उनकी भी सैलरी में डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि पुरुषों को ज़्यादा सैलरी दी जाती है और महिलाओं को कम। आज भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो महिलाएँ जो रिक्रूट करते हैं वो लोग, राइट? तो वो कहते हैं कि आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, आपकी फैमिली प्लानिंग क्या है, और ये प्रॉफिट और लॉस के कंटेक्स्ट में देखते हैं कि अगर किसी महिला को कुछ महीनों के लिए अगर छुट्टी लेनी पड़ी बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी और उसके बाद बेबी की केयर करने के लिए जो छुट्टी, जो मैटरनिटी लीव कहते हैं, तो ये सारी चीज़ों को एक्सपेंस के तौर पर देखा जाता है। अगर इसको बिग पिक्चर में देखें तो अगर यंग जनरेशन, नई जनरेशन पैदा ही नहीं होगी तो आपकी फ्यूचर, आपकी ही जो कंपनी है वो ये प्रोडक्ट्स किसको बेचेगी। एनीवेज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैनिटरी नैपकिन्स और वुमेन्स के हेल्थ के साथ जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। आपको पता होगा एक केरला में मंदिर है जिसको लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंड लिया है, तो इसी के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। आज भी हमारे देश में एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी ऐसी है, राइट? बहुत ज़्यादा महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास जो पीरियड्स के टाइम पर उनको जो प्रोडक्ट्स यूज़ करने होते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स और टैम्पून्स, उसका एक्सेस नहीं है, वो खरीद नहीं पाते क्योंकि गरीबी इतनी ज़्यादा है। इसके अलावा अवेयरनेस भी कई जगहों पर कम है, और सिर्फ यही एक बड़ा इश्यू नहीं है, सबसे बड़ा अगर कोई इश्यू है तो ये है कि आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि जो मेडिकल स्टोर हैं वहाँ पर जब कोई महिलाएं ये सैनिटरी नैपकिन्स लेने के लिए जाते हैं तो उनको ये एक डार्क ब्लैक पॉलीथीन बैग में उसको रखा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको एक
कहते हैं कि एक शर्मनाक विषय माना जाता है, एक टैबू टॉपिक माना जाता है। ये लगता है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस ये एक मिथिकल कैरेक्टर है, ग्रीक की एंशियंट स्टोरी के साथ जुड़ा हुआ। इसका नाम है मेदूसा, मेदूसा एक चुड़ैल का नाम था। तो ऐसा लगता है कि ये जो पॉलीथीन बैग में डालते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक मेदूसा है, कुछ ऐसी बुरी बात है जो आप सोसाइटी को नहीं दिखा सकते। दूसरी जो चीज़ है जो सबसे भयानक है, भयानक इसलिए क्योंकि किसी एक व्यक्ति की जो बॉडीली रिदम है, जो एब्सोल्युटली हेल्थी चीज़ है, उसको एक शर्म का विषय बनाया जाता है। और इससे जो साइकोलॉजिकल स्कार होते हैं, खास करके टीनेजर्स जो होती हैं, जब उनकी यू नो टीनेजर्स जब वो बड़े होते हैं और उस टाइम पर उनको ये पता चलता है कि ये एक चीज़ जो उनके साथ हो रही है ये एक सोसाइटी के लिए शर्म का विषय है, तो जो साइकोलॉजिकल स्कार पूरी ज़िंदगी उनके मन में रह जाते हैं, राइट। और यही स्कार जो हैं कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड होते रहे हैं और पूरी सोसाइटी में स्प्रेड हो गए हैं। आज आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो इस विषय को थोड़ा बहुत टैबू टॉपिक माने, ये भी माने कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं की जानी चाहिए। लेकिन अगेन आपको ये चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या आपको बता रहा है, क्या आप उसको पढ़ पा रहे हैं। अगर आप देखेंगे, इसके बारे में मेडिटेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि देर इज़ नथिंग दैट वी कैंट डिस्कस। एक ऐसा टाइम था हमारे देश में जब हमारे लोगों की कॉन्शियसनेस इतनी एक लेवल पर थी कि आप किसी भी टॉपिक को डिस्कस कभी भी कहीं पर भी कर सकते थे। दिस वॉज आवर सोसाइटी। और अगर यकीन ना हो तो खजुराहो के टेम्पल्स देख लीजिए। अब ये जो सोसाइटी में एक शर्म का विषय बनाया गया है, इससे जो लड़कियां हैं उनको कितनी ज़्यादा पेनल्टीज पे करनी पड़ती है, उनकी स्कूल मिस हो जाती है या फिर उनको मिस करवाई दी जाती है, स्पोर्ट्स के कंपटीशन में से उनको ड्रॉप होना पड़ता है अगर उनके पीरियड्स उस डेट के साथ क्लैश होते हैं तो, या फिर किचन जो है उसमें एक एंट्री नो नो हो जाती है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो सबरीमाला का पूरा इश्यू है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सटेंड लिया है, तो वहाँ पर भी एंट्री मना है, यू कैन नॉट एंटर इफ़ यू आर इन पीरियड्स। और दूसरी जो चीज़ है कि जब ये लड़कियाँ जब बड़ी होती है, जब एडल्ट होती है, तब उनका जो फुल पोटेंशियल होता है, उनकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, वहाँ तक भी पहुँचने के लिए कहीं ना कहीं ऐसी जो चीज़ें उनके मन में घुसेड़ी जाती है इस सारी चीज़ों से, फिर अपने पोटेंशियल को भी रीच नहीं कर पाती। कई बार ये भी होता है कि फैमिली जाने अनजाने में ऐसे सारे जो स्टिग्मास हैं उनको और ज़्यादा फ्यूल करता है, और बाद में सोसाइटी तो है ही, सोसाइटी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इन सारे विषयों पर बिना कुछ जाने समझे अपनी टिप्पणी देने के लिए तैयार होते हैं। क्या आज की 21st सेंचुरी में महिलाएं एक सेकंड क्लास सिटीजन हैं? नॉट एट ऑल। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा स्टैंड लिया है, बरसों पुरानी आप कह सकते हैं सेंचुरीज ओल्ड जो पेट्रियार्की, जो पितृसत्तात्मक एक सोच थी, जो ऐसे एक कुछ विचार थे, उसको स्ट्राइक डाउन किया है। ये जो सबरीमाला टेम्पल के जो हैंडलर्स हैं या फिर कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन्होंने ये बताया था, एक रूल निकाला था कि 10 साल से लेकर 50 साल की जो महिलाएं हैं वो टेम्पल में एंट्री नहीं कर सकती, राइट। दिस वॉज ए स्टैंड टेकन बाय टेम्पल एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि ये जो आपने डिसीजन लिया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के विरुद्ध में है, ये महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन बना देता है, और अगर किसी पुरुष को किसी मंदिर में जाकर प्रार्थना करने की अगर परमिशन है या फिर उनका ये राइट है, तो सेम राइट अप्लाइज टू वुमन एज वेल। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ऐसे जब स्टैंड लिए जाते हैं बाय टेंपल एडमिनिस्ट्रेटर, और उनका कहना ये है कि ये एक सेलिबेसी यानी कि एक ब्रह्मचर्य का पार्ट है, ब्रह्मचर्य के बिना जो मंदिर हैं वो इम्प्योर हो जाते हैं, तो इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो हम उनके सामने उठा सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि इनका जो डिसीजन है वो महिलाओं को एक सेकेंडरी सिटीजन बना देता है, समाज के सामने ही नहीं लेकिन जो ईश्वर हैं, अल्लाह है, भगवान हैं, गॉड हैं, तो उनके सामने भी आप कहीं ना कहीं उनको एक सेकंड क्लास सिटीजन बना देते हैं। कानून के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर देखें देन एज वेल इट इज़ नॉट फेयर। कॉन्स्टिट्यूशन ने हम हर किसी को
इक्वल राइट्स दिए हैं। हमारे देश की विशेषता ये है कि अगर कोई चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में है तो हम उसे ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, चाहे वो रिलीजियस चीज़ ही क्यों ना हो। अब देखिए, पिछले कुछ ही टाइम पहले ट्रिपल तलाक जो एक बहुत लंबे टाइम से चीज़ चल रही थी, और एक बात और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कुरान में जो बात कही गई है वो आज का ये जो इंस्टेंट मैगी नूडल्स टाइप का जो ट्रिपल तलाक था कि फ़ोन पे बता दिया, व्हाट्सएप पे बता दिया, वैसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन फिर लोगों ने अपने ही हित में इसको ट्विस्ट एंड टर्न कर दिया, जो बेस्ट फॉर मैन हो उस चीज़ को प्रमोट की, जो इक्वल हो वो चीज़ कहीं ना कहीं ट्रिपल तलाक से चली गई थी, तो इसको स्ट्रक डाउन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि क्या जब आप कहते हैं कि ब्रह्मचर्य जो है वो सबसे हाईएस्ट है, सबसे प्योर है, तो आप उन महिलाओं को रोक रहे हैं जिनकी जो एज है ये इस एज में है, 10 to 50 की एज में जो महिलाएं हैं वो एंटर नहीं हो सकती। लेकिन सेक्सुअली एक्टिव जो मेल है क्या उनको रोका जा रहा है? अगर बात यहाँ पर यही हो रही है कि सेक्सुअलिटी जो है वो एक पाप है, तो दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जो विदाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पैदा हुआ हो? दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि प्योर माइंड, हमें तो यही सिखाया जाता है हर कल्चर में, हर कम्युनिटी में यही बताया जाता है कि भाई प्योर माइंड, दिल साफ होना चाहिए। तो दिल साफ है या नहीं है तो इसके कोई मीटर्स लगाए हैं इन लोगों ने? ऑफकोर्स नॉट। फिर कई बार ये भी होता है कि पीरियड्स जो हैं वो थोड़े अर्ली शुरू हो जाते हैं, कई बार वो लेट ख़त्म होते हैं, जिसे मेनोपॉज कहते हैं, 50 के बाद भी हो सकता है, तो फिर उनका क्या? सबसे बुरी बात है ये है सोशल एटीट्यूड, सेक्सुअलिटी और मेंस्ट्रुएशन। आज यही ये जो शर्म का विषय बनाया था लोगों ने, उसी वजह से बहुत सारे लोग एड्स से पीड़ित हैं, बहुत सारे लोग दूसरे जो सेक्सुअल डिजीजेस हैं उनसे पीड़ित हैं, बिकॉज सोसाइटी ने इसे एक शर्म का विषय बनाया है। अगेन कुछ और क्वेश्चंस हैं, राइट, के ये जो दो ऐसी चीज़ें हैं, पीरियड्स और सेक्सुअलिटी, इसका वैसे आप देखें तो कोई रिलेशन नहीं है, राइट? वैसे रिलेशन है भी लेकिन रिलेशन नहीं भी है, तो इसको आप जोड़कर दोनों को एक साथ जोड़ रहे हैं। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि वुमन की हेल्थ का क्या, जब आप इन सारी चीज़ों को ऐसा टेबू टॉपिक बनाते हैं तो एक महिला के ऊपर जो साइकोलॉजिकल स्कार रह जाते हैं, उनको ये फील होता है कि उनका बॉडी वीक है, वो एक सेकंड क्लास सिटीज़न है, तो ये सारी चीज़ों का क्या? और एक और चीज़ है कि जो सेक्सुअलिटी है उसको भी आप एक बहुत अनहेल्थी एटीट्यूड से देखते हैं। कोई भी जो आस्था है वो आस्था मॉडर्निटी के साथ क्लैश नहीं होनी चाहिए, आस्था को मॉडर्निटी के साथ अडेप्ट होना पड़ता है, तभी पूरे समाज का विकास होता है। और आज वक्त आ गया है कि हम हमारी जो महिलाएं हैं, खास करके जो टीनेजर गर्ल्स हैं, उनकी परवरिश जो है वो एक हेल्थी और इक्वल एनवायरनमेंट में करें। आई एम श्योर आज के डिस्कशन से आपको मेंस एग्जामिनेशन के, ऐसे राइटिंग के, या फिर इंटरव्यू में भी अगर आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो आपको बहुत अच्छे व्यू पॉइंट्स मिले होंगे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपको द हिंदू में देखने को मिलते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुछ मैंने अलग सोर्सेस से भी कलेक्ट किया है ताकि एक अच्छे जो SNT के क्वेश्चन है वो आपके या फिर टॉपिक्स आपके सामने रख सकूँ। एक बहुत ही दुखद खबर है कि एक 28 साल के एक मुस्लिम मैन को फिर से लोगों ने पीट कर मार डाला। उसका कसूर क्या था? बस यही कि उनके ऊपर ये शक किया गया कि ये जो व्यक्ति है वो गाय जो होती है काऊ की स्मगलिंग में, स्मगलिंग के साथ जुड़ा हुआ है। 5 लोगों ने मिलकर इस व्यक्ति को मारा और इसकी मृत्यु हो गई। ये उसी जगह में हुआ है, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पिछले साल पहलू खान नाम के एक व्यक्ति की इसी बेरहमी से हत्या की गई थी। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आपने देखा होगा कि कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इश्यू की हैं और इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा भी हमने की थी। आई एम श्योर वीर सर ने भी आपके साथ इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की होगी, तो आई एम नॉट गोइंग इन टू ऑल दोज डिटेल्स। बस इस न्यूज़ को ध्यान में रखिएगा कि कितने भी इम्पोर्टेंट लॉज सुप्रीम कोर्ट, जो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग है, वो भी गाइडलाइंस क्यों ना दे दे। जब तक सोसाइटी में लोग सुधरेंगे नहीं तब तक ये सारी चीज़ें
चलती रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें हिम्मत हार जानी चाहिए, नॉट एट ऑल, हमें इसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। टर्न ऑन लाइट्स एंड स्टडी, ये एक नेशनल मौत वीक चल रहा है, जो छोटे छोटे मौत होते हैं तो उनको स्टडी किया जा रहा है हमारे देश में, और ये इंटरनेशनल एक वीक है जिसकी शुरुआत हुई थी 2012 में, अमेरिका के एक साइंटिस्ट ने इसकी शुरुआत की थी, और आज दुनिया के 40 ऐसे देश हैं जो इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये खास करके जुलाई का जो लास्ट वीक होता है उसमें इसको मनाया जाता है, और लोग जो हैं वो अपने गार्डन्स में या फिर बैकयार्ड्स में एक वाइट शीट जैसा लगाते हैं और उसके ऊपर फिर कुछ लाइट्स लगा देते हैं, जिससे कि ये जो छोटे छोटे कीटाणु तो नहीं लेकिन छोटे छोटे ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये अट्रैक्ट होते हैं, और उसके बाद उनकी स्टडी की जाती है। हमारे देश में कुछ 10,000 से ज़्यादा मौत की अलग अलग स्पीसीज़ हैं, और इनकी जो खासियत है वो ये हैं कि ये फूड सोर्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, ह्यूमन बींग्स का नहीं लेकिन एनिमल किंगडम की बात कर रहा हूँ, और जो इकोसिस्टम है वो हेल्थी है या हेल्थी नहीं है उसका भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा मौत देखा जाता है, इसका नाम है एक्टियासिलीन, तो इस नाम को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जीएसटी काउंसिल ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, 28th मीटिंग, और इसमें सैनिटरी पैड्स, जिसके बारे में हमने बात की, सैनिटरी पैड्स के ऊपर अब तक टैक्स लगाया जाता था, राइट, 12% उसके ऊपर टैक्स था, लेकिन अब इसको ज़ीरो कर दिया है, तो इससे भी बहुत सारी महिलाएं जो हैं उनको एक्सेस होगा सैनिटरी पैड्स का। इसके अलावा जो छोटे टेलीविज़न हैं, वॉशिंग मशीन हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर 28% का स्लैब था तो उसको भी घटाकर 18% कर दिया है। तो जो इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इस कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की, तो उन्होंने ये डिसीजन को वेलकम किया है। उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो ये है कि पहले अगर आप फ्रिज लेने जाएं, फॉर एग्जांपल, तो अगर 10,000 का फ्रिज है या फिर रेफ्रिजरेटर या फिर मशीन, ये जो वॉशिंग मशीन है वो ख़रीदने जाएं, तो उसके ऊपर 28% यानी कि 2,800 रुपीज़ आपको जीएसटी पे करना पड़ता था, तो ये ऑफकोर्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है 2,800 रुपीज़, लेकिन अब इसको जब घटा दिया है, 18% कर दिया है, तो 1,000 रुपीज़ इज़ ए बिग थिंग फॉर मेनी फैमिलीज़ इन आवर कंट्री। और इसके साथ साथ जो प्रोसेस हैं उसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, खास करके जो छोटे बिजनेसेस हैं उनके लिए रिटर्न फाइल करने की प्रोसेस सिंप्लीफाइड कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे के साथ मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंस में एम्बुलेंस सर्विसेज को लॉन्च किया है जाफना एरिया में, और ये एक इंडिया ने ये भी बताया है कि अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, श्रीलंका की हमेशा मदद करता रहेगा उनका पड़ोसी एज वेल एज ए फ्रेंडली कंट्री इंडिया। दिस इज़ अ वेरी गुड जेस्टर फ्रॉम इंडिया। इंडिया वैसे तो बहुत सारी मदद करता रहता है श्रीलंका की और दूसरे देशों की। अब यहाँ पर आप जो देख सकते हैं इसको कहते हैं कोरल, राइट, कोरल रीफ्स जो होती हैं, कोरल, तो ये एक इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मराइन इकोसिस्टम, जो अंडर वाटर इकोसिस्टम है उसका। और एक रिसर्च की गई थी और ये पाया गया कि जो शैलो वाटर्स, जो ऊपर के जो बहुत ही कम डेप्थ वाला जो पानी होता है उसमें, और जो बहुत ही डेप्थ वाले पानी में जो आपको कोरल्स देखने को मिलती है, तो ये दोनों बायोलॉजिकली डिफरेंट है, ये सेम नहीं है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि दोनों के दोनों जो हैं ये क्लाइमेट चेंज से प्रभावित होते हैं। हमारे यहाँ पर जयपुर के जो लेग्स हैं ये काफ़ी फेमस हैं पूरे देश में और दुनिया के अलग अलग देशों में, और म्यांमार और वियतनाम में ये जो भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति है, BMVSS, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर म्यांमार और वियतनाम के कुछ 10,000 ऐसे दिव्यांगजन हैं जिनको ये लेग्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उनको एक नई जिंदगी आप कह सकते हैं मिल पाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस लेग। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और आने वाले टाइम में दुनिया के दूसरे देशों में भी हम इसे सप्लाई कर सकते हैं। आपने एक देश का नाम सुना होगा, इसका नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला के पास बहुत बड़ा ऑयल का स्टॉक है, लेकिन जब आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी ना हो, जब आपके देश के लीडर्स अच्छे डिसीजन ना ले सके, तो आपके पास रिसोर्सेज कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसी ही स्टोरी चल रही है वेनेजुएला की। वेनेजुएला में जो इन्फ्लेशन है वो 50,000% ज़्यादा हो गया है, मेडिसिन और फूड भी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और इसी मुश्किल में
वहाँ के दो इंजीनियर्स जो हैं उन्होंने एक नया रास्ता निकाला है, जो टूटे फूटे पुर्जे होते हैं उसमें से वो कुछ चीज़ें निकालते हैं, प्लास्टिक की चीज़ें, इसको मेल्ट डाउन करते हैं और नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो ये एक बहुत ही मोटिवेशनल एग्जाम्पल है और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं इस वेनेजुएला देश की एक ख़राब जो इनकी परिस्थिति हो गई है वो भी हमारे सामने रख रहा है। लास्ट आइटम है कि जो ग्लासगो यूनिवर्सिटी है तो वहाँ के कुछ रिसर्चर्स ने एक नई तरकीब निकाली है, आने वाले टाइम में जो ग्रेफाइट है, तो ग्रेफीन सुपर कैपेसिटर, तो इनका उपयोग किया जाएगा जिससे कि जो वेरिएबल्स हैं, जो हम आजकल स्मार्ट वॉचेस देखते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन्स हैं, दूसरी एक्सेसरीज़ हैं मेडिकल के साथ जुड़ी हुई एक्सेसरीज़, तो इन सारी एक्सेसरीज़ में ग्रेफीन सुपर कैपेसिटर्स को यूज़ किया जाएगा जिससे कि सोलार एनर्जी का उपयोग करते हुए ये रिचार्ज हो सके। दुनिया के बहुत सारे देशों में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि सोलार एनर्जी जो है वो जनरली स्पीकिंग सब जगह पर आपको मिल जाएगी और इससे ये जो वेरिएबल्स हैं उसमें एक काफ़ी उछाल देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें आप मॉनिटर कर सकते हैं, हेल्थ के जो पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स या फिर दूसरे जो बीमारियों के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, तो उनके लिए एक संजीवनी का काम कर सकता है ये वेरिएबल्स। डॉक्टर्स भी मॉनिटर कर सकते हैं उनके पेशेंट्स को, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन छोटी छोटी ऐसी जो रिसर्चेस होती हैं तो ये बड़े बड़े रिजल्ट्स हमारे सामने रखती हैं। दैट्स एवरीथिंग डियर फ्रेंड्स, ये कुछ आंसर्स हैं आपके लिए, मैंने कल प्रश्न पूछे थे तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये क्वेश्चन और आपके लिए आंसर हैं। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज़ डिस्कशन, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।